दोस्तों अडवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मोबाइल की वॉल्यूम अप बटन डन बटन का दो ऐसी कमाल की खुफिया राज और खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो 100% एंड्रॉयड यूज़र इस वॉल्यूम बटन का ये ट्रिक के बारे में ये राज के बारे में नहीं जानते होंगे ना आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों अपने मोबाइल की वॉल्यूम अप बटन डन बटन से क्या करते होंगे, दोस्तों आपके दिमाग में चलता हो कि वॉल्यूम बटन से मैं आवाज़ को बढ़ाता हूँ और आवाज़ को कम करता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं जानता हूं। लेकिन दोस्तों आवाज बढ़ाने से साथ साथ एक और काम है मोबाइल की वॉल्यूम अप बटन डन बटन का, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊं कि वो कौन सी राज है, वो कौन सी ट्रिक है। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल यहां पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है और यहां पे देख रहे हैं फोटो गैलरी। और जैसे यहां पे व्हाट्सएप को यहां पे ओपन करता है आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी माँ बाप, यहां व्हाट्सएप को ओपन करता है तो यहां पे बताएगा इस तरह से फोटो व्हाट्सएप खराब है। तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं मोबाइल की वॉल्यूम बटन को, व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए मोबाइल की वॉल्यूम अप बटन डन बटन को यूज करना होगा, तभी ये व्हाट्सएप ओपन कर पाएगा। एक दो तो यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट्सअप ओपन हो चुका, और इसी तरह से यहाँ पे व्हाट्सअप भी है, फेसबुक है, फेसबुक को यहाँ पे कोई भी बंदा आपके ओपन करता है तो यहाँ बोलेगा फेसबुक मैसेंजर खराब है। तो यहाँ पे दो ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो ये फेसबुक ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो गैलरी को कोई भी बंदा ओपन करता है तो यहाँ पे आप ऊपर दबाएंगे नीचे दबाएंगे तो ये आपका फोटो गैलरी ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से काम करता है आपके मोबाइल की वॉल्यूम अप बटन डन बटन, जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर दोस्तों ना चाहते हैं कि ये सब सेटअप आप अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर कैसे कर सकते हैं ताकि व्हाट्सएप को भी ना खोल पाए, जैसे खोलेगा तो वहां पे बताएगा कि आपका व्हाट्सएप खराब है, तो वो डर से वो फेसबुक को बंद ही कर देगा या व्हाट्सएप को बंद कर देगा। तो कुछ इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कर सकते हैं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इसी तरह से वॉल्यूम बटन के अंदर इसी तरह से सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करना होगा, शेयर करना होगा इस वीडियो को ताकि और भी दोस्तों को पता चले। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा, लाइक शेयर और कमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम बटन ट्रिक, और यहाँ पे सेंड कर लीजिए, इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे सेंड कर लीजिए। बस ये आप तीन काम कर लेते हैं, और जैसे तीन काम करने के बाद एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है की नोट। तो इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे स्वाइप करना होगा, सेटअप पासवर्ड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 4 5 यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो यहाँ पे क्लिक कर लेता दो में, तो मैं दो टाइम पासवर्ड को लगाना चाहता हूँ, यानी वॉल्यूम का अप बटन को क्लिक करूँगा, वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करूँगा ताकि मेरा फेसबुक या व्हाट्सअप को भी ऐप को सेट करूँगा वो ओपन हो जाए। और फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम अप बटन डन बटन। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड सेट हो चुका। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिकवरी पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहां पे क्या कर लेता हूं, नाम को डाल देता हूं। चलिए यहां पे नाम डाल देता हूं, ठीक है। नाम डालने के बाद सेटअप पे क्लिक करना होगा। जैसे सेटअप पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस देखेगा नोटबुक की तरह, यानी कोई भी आपके फ्रेंड या आपके जीएफ यहाँ पे खोलेगा ये एप्लीकेशन को तो नोटबुक दिखेगा, वो सैंपल यहाँ पे बैक कर लेगा। लेकिन नोटबुक नहीं है, इसे वॉल्यूम अप बटन को दबाएंगे डन बटन को तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जो आप पासवर्ड सेट किए वही आपको करना होगा, तभी आपको ये एप्लीकेशन के अंदर ओपन होगा। तो यहाँ पर अनेबल कर लीजिए, और जैसे अनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको जाएगा सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अनेबल किया, सिंपल बैक कर लेता हूँ। और जैसे बैक करने के बाद चलिए कोई भी एप्लीकेशन को आपको चूज़ कर लेना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, व्हाट्सअप को चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लूँ, व्हाट्सअप को लॉक लगाने के बाद कस्टम पे क्लिक कीजिए। और जैसे कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गैलरी को चूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो को मैंने यहाँ पे ऐड करके रख दिया हूँ, बनाया था और इसे ऐड कर दिया है व्हाट्सअप के अंदर, और सिंपल व्हाट्सअप यहाँ पे तैयार हो चुका। और जैसे कोई वैसे यहाँ पे कुछ फ्रेंड आपके व्हाट्सअप को यहाँ पे ओपन करेगा तो यहाँ बताएगा व्हाट्सअप खराब है, तो वो फौरन यहां पे बैक कर देगा। लेकिन एक्चुअल में यहां पे व्हाट्सएप खराब नहीं है, जो आप पासवर्ड डाले थे और मैं डाला था, अब बटन डन बटन और ये मेरा व्हाट्सएप ओपन होगा। तो कुछ इस तरह से काम करता है वो मोबाइल की वॉल्यूम अप बटन डन बटन, जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से माध्यम से मिल जाए और मेरे वीडियो को देख पाए। अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फ्री मिलेंगे किसी और एक साइड वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।